अमेरिका में दो सिया फार्म शहरियों को कत्ल करने वाला सफेद फार्म शहरी की बरियत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रोज अमेरिकी अदालत ने काइल रिटनहाउस नामी सफेद फार्म कातिल को शक का फायदा देकर बरी कर दिया था, जिसके बाद से सिया फार्म कम्युनिटी सरापाए एहतजाज है। न्यूयॉर्क से कैलिफोर्निया तक सिया फार्म अमरीकियों ने अमरीकी अदालत के मुतनाजा फैसले के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन ने हाथों में बैनर्स और प्लेकार्ड्स उठा रखे थे, जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरे के शुरका का कहना था कि ये फैसला नाम निहाद अमरीकी निजाम इंसाफ के मुंह पर जोरदार तमाचा है। बाज मुजाहिरीन का कहना था कि अमरीका का सारे का सारा निजाम मुजरिम है, जिसने एक कातिल को जेल भेजने के बजाय आजाद कर दिया। अमरीकी रुकने कांग्रेस मेगन हंच का कहना था कि ऐसा लगता है कि अमरीकी निजाम इंसाफ सफेद फार्म लोगों के लिए काम कर रहा है। दूसरी जानिब अवाम को तहफ्फुज़ फराहम करने के बजाय पुलिस ने मुजाहिरीन पर फायरिंग की और रबड़ की गोलियां बरसाई, जिसके नतीजे में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हो गए। ख्याल रहे कि दुनिया को अमन व इंसाफ का लेक्चर देने वाला अमरीका खुद अपने मुल्क में इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा रहा है, जिस पर लोग सरापाए एहतजाज हैं।